गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का सफर काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि कल शिवरात्रि है तो हम महाकाल पहुंचने वाले हैं उज्जैन। और कल रात मेरा स्टे यहीं पे था, ये है एक गुरुद्वारा। और कल रात बहुत लेट में यहाँ पर पहुंचा था क्योंकि मैं ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद लगभग 30 किलोमीटर और चला था और रात को यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा था। इस हाईवे पर मेरे को गुरुद्वारा दिखा। पहले एक पेट्रोल पंप पे गया था, वहाँ पे किसी भाई लोगों ने बोला कि यहाँ पे रात को बंद हो जाता है क्योंकि अभी ये रोड का थोड़ा काम चल रहा है, तो उस साइड वाले लाइन पे काम चल रहा है तो पेट्रोल पंप रात को बंद हो जाता है, पूरी लाइट वगैरह बंद कर देते हैं, यहाँ पे परेशानी रहेगी, तो आप आगे जाओ, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है। तो मैं यहाँ पे आ गया था तो कल रात को ऐसे रह रहा था यहाँ पे। अभी साइकिल ये है मेरी और कल रात में था, यहाँ पे खटिया वगैरह लगी हुई थी तो ये काफ़ी अच्छा था। और मैंने तो खाना वगैरह सब हो गया था, यहाँ पे खाना सब खिला दिया था इन लोगों ने। बाकी मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, पहले इंदौर जाऊँगा, इंदौर में देखता हूँ। कोई पहले से ही जानते हैं मुझे सोशल मीडिया के द्वारा, उनसे भी मिलना है। और एक और दूसरे थे जो मेरे को कन्याकुमारी में मिले थे, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं बाइक से, तो वो भी हो सकता है वो भी मिलें। और उसके बाद निकलेंगे यार उज्जैन। उज्जैन तो पहुंच जाएंगे, 100 किलोमीटर के आसपास है, तो मैं जल्दी निकल रहा हूँ। आज 7 बज रहे हैं, अभी 7:15 हो रहे हैं, तो बाकी मिलते हैं आगे आगे जैसे जैसे रहेगा तो देखते हैं। कि भैया लोग तो दिख नहीं रहे अभी, पता नहीं कहाँ हैं भाई। अभी मैं निकल चुका हूँ गुरुद्वारे से, ये पीछे गुरुद्वारा है ये। और सबसे बड़ी बात ना, जो पंजाबी लोग होते हैं मतलब बहुत अच्छे लोग होते हैं यार, मतलब अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कल रात से खाना खुना खिलाया इन लोगों ने, और उसके बाद अभी ना जैसे मैं निकल रहा था तो उन लोगों ने चाय वगैरह बनाई, तो आते टाइम ना कोई अपने और से बिस्किट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और मैं साथ में बैठा था, एक अंकल थे तो उनके साथ में बैठा था, अच्छी गपशप मार रहे थे, तो अच्छा लगता है यार, बहुत दिल से करते हैं ये लोग, मतलब बहुत इतना हम लोग नहीं करते हैं जैसे कोई भी हो, लेकिन पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा सिखा देते हैं कि हाँ यार, मतलब कैसे मेहमानों के साथ ट्रेड किया जाता है, तो वो चीज़ें। और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिली है, मतलब जैसे लोगों से कि कैसे लोगों की खातिरदारी करें, क्या करें, तो पंजाबी लोगों का दिल वास्ता में सबसे बड़ा होता है यार। अभी सुना है कि राजस्थान के लोग भी बहुत अच्छा जो खातिरदारी करते हैं, तो देखते हैं। राजस्थान तो पता नहीं इस बार मुश्किल लग पा रहा कि हो पाएगा, लेकिन देखते हैं कि कभी फिर आगे हो पाए, तो चलो आगे ले चलते हैं। गुरुद्वारा के पास निकलने के बाद एक्चुअली थोड़ी सी चढ़ाई थी और मैंने सुना है कि आगे भी थोड़ी चढ़ाई है, तो मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लूँ। और नाश्ते में मैंने मंगाए पराठे, यहाँ पे पराठे मिल जा रहे हैं, आलू के पराठे हैं, और देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। इसके साथ कुछ दाल मिल रखी है और प्याज वगैरह, तो टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट भी दाल में नमक वमक, बाकी पराठे एकदम सही है। यहाँ पे यार जब से महाराष्ट्र के बाद, मतलब मुंबई के बाद इधर निकला हूँ, थोड़ा बहुत जो हाईवेज है उन पे वैरायटी पराठे वगैरह मिल जा रहे हैं, नहीं तो गोवा और मुंबई के बीच में वही पाव, मिसल पाव, बड़ा पाव और ऐसी चीज़ें मिल रही थी। बाकी उधर साउथ में तो हुआ है इडली डोसा वगैरह, बाकी यहाँ पर आके ठीक है, यहाँ पर आप रोटी भी खा सकते हैं और पराठे वगैरह भी खा सकते हैं, जो भी खाना हो खा सकते हैं, अच्छा है यहाँ पे। इसके बाद तो मिलते रहेगा, इसके बाद गुजरात में जा रहा हूँ तो गुजरात में तो अच्छा मिलेगा, फिर हो सके तो राजस्थान में तो फिर अलग ही बात है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी लगी मेरे को रोड पे, जैसे यहाँ पे है ना, हम हमेशा बाएं साइड से चलते, लेकिन यहाँ पर रोड क्या है कि जो हमको बाएं साइड से चलना था हमको दूसरी साइड से चलना पड़ रहा, जो ये उधर से चलना था उनको यहाँ पर चलना पड़ रहा। और मोड़ ना बहुत ही खतरनाक मोड़ है, इस चक्कर में देखो ये ट्रक गया काम से, ये ना एकदम बहुत तीखा मोड़ है और ट्रक एकदम थोड़ा सा स्पीड में रहा होगा तो आउट चला गया, बाहर चला गया, अब ब्रेक लगाया और सीधा गया। ये आज का और है, सारे जो राशन वसन है वो उधर ही पड़ा हुआ है। अभी तो मैं भी इधर से आ रहा था, पता चला आई लोग तो उधर से जा रहे हैं, ये क्या सिस्टम है, ये कुछ ऐसे ही है।
तो भाई अब जाके मैं पहुंच चुका हूँ इंदौर। इंदौर देश के सबसे क्लीन सिटियों में माना जाता है, गिनती सबसे ऊपर आते हैं। और दिख भी रहा है यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ सफाई दिख रही है, रोडों के किनारे कोई भी कूड़ा कचरा वगैरह नहीं है। और मैं अभी जा रहा हूँ एक पितरेश्वर हनुमान जी का मंदिर है। हेलो, और पितरेश्वर इसलिए बच्चे सारे एक्साइटेड हो रहे हैं। तो पितरेश्वर एक हनुमान जी के मंदिर है, वहाँ पर स्टैचू है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू। तो वहाँ पर विजिट कर रहा कोई बहन है जो लगातार सोशल मीडिया के द्वारा मेरे साथ जुड़ी हुई थी, तो वो भी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे मिलने के लिए, तो वो भी वहीं पर आ रहे हैं। तो वहीं पर मिलते हैं, उसके बाद चलते हैं उज्जैन की ओर, देखते हैं कैसे रहता है। फिलहाल तो ये है इंदौर, देख सकते हैं यहाँ पर ना सफाई वगैरह मतलब क्लीन है चारों ओर। मैंने देखा कोई कूड़ा कोई कचरा नहीं। तो चलो ट्रैफिक काफ़ी है, फिर ले चलते हैं आगे मंदिर की ओर। तो यार इंदौर को ऐसी नहीं बेस्ट जो क्लीन सिटी है उसका अवार्ड मिला है। यहाँ पर दिख भी रहा है यार, मतलब चारों ओर ना कहीं पर भी मेरे को अभी प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं दिखा, और लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। एकदम क्लीन सिटी है यार, बहुत प्यारा। यहाँ के लोग जो हर कोई एक आम आदमी होता है ना वो ही मेंटेन करता है, ऐसा नहीं कि लोग करते हैं। तो ये देखें भाई, कुछ खास होगा तभी तो इतना, मतलब तो यही हम पूरे देशवासियों को अपनाना है यार। हर एक आदमी जो भी है कहीं पे भी जाता है, कुछ खाओ पियो अपने साथ रखो, प्रॉपर जगह पर रखो, ऐसे इधर उधर ना फेंको। भाई अभी मैं आया हूँ पितरेश्वर हनुमान मंदिर, जो इंडिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है यहाँ पे। तो अभी साइकिल नीचे लगाए हैं, अभी ऊपर चल रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे क्या सिस्टम है यहाँ का। इसके बाद चलते हैं उज्जैन। उज्जैन अभी काफ़ी दूर है यार, रात तक पहुँचूँगा। तो भाई मैं भी हूँ पितरेश्वर हनुमान जी के मंदिर में, ये सामने है स्टैचू, और यहाँ पे ऊपर जाने का अभी देखते हैं रास्ता किधर से। शीज महल, राम महल, पता नहीं क्या क्या लिखा है। यह है शीज महल। भाई अभी जैसे मैं यहाँ पर आया था, पितरेश्वर जो हनुमान जी टेम्पल है, स्टैचू एक ही स्टैचू इंडिया में ऐसा है जो बैठ के है ध्यान मुद्रा में, और इस सबसे ऊँची स्टैचू यहाँ पे है। और बहन मेरे को मिलने आए हैं नेहा ना। हाँ, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो ये काफी टाइम से मेरे साथ सोशल मीडिया पे थे, इंदौर के बहुत सारे लोग थे जो अभी बुला भी रहे थे, लेकिन मेरे को जल्दी जल्दी उज्जैन जाना है तो मैं केवल इन्हीं से मिल पाया हूँ। और इनके साथ है, हेलो, क्या नाम है आपका? तो ये हम अभी मिले हैं, तो काफी अच्छा लगा यार। मतलब जब कोई मिलता है ना काफी टाइम बाद, इतने दूर आके केदारनाथ यहाँ आए हूँ, मिलते हैं तो तब अच्छा लगता है। एक भाई ये मिलने आए, और बाकी एक अंकल लोग थे जो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि फ़ोन करना जब आओगे, और कोई और भी था लेकिन नहीं आ पाया हूँ मैं अभी, तो नहीं मिल पाया मैं उनको। बाकी फिर मिलते हैं आगे, देखते हैं उज्जैन के और जा रहा हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी निकल रहा हूँ, इन लोगों को बाय बाय बोल के सबको, ओके बाय, फिर मिलते हैं केदारनाथ में। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ओके भाई, ठीक है, ओके ठीक है फिर। तो भाई अब जाके हम पहुंच चुके हैं महाकाल उज्जैन में, केवल 7 किलोमीटर यहाँ से मंदिर बचा हुआ है। और हम मैं थोड़ा लेट हो गया था, किसी भाई को रुका हुआ था, और इसके बाद सीधा जाऊंगा उज्जैन महाकाल, और कोशिश करूंगा कि नहा धो के कहीं पे किसी से रिक्वेस्ट करके आज ही दर्शन करूँ। कल बहुत भीड़ होने वाली है, और आज 24 घंटों के लिए महाकाल उज्जैन जो है वो अभी मंदिर खुला है, रात में भी खुला रहेगा। तो इसी कारण अगर अभी भी लंबी लाइन होगी तो 12-1 बजे भी दर्शन हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी देखते हैं जैसे भी रहेगा, आगे रहने का तो आज मुश्किल है, जहाँ भी रहूँगा किसी के पास साइकिल छोड़ के अंदर दर्शन कर लूँगा। चलो ले चलते हैं मंदिर के और आपको भी दर्शन कराते हैं मंदिर के। तो भाई फिलहाल का स्टेटस ऐसा है कि हम पहुँच चुके हैं महाकाल, और हमको एक भैया मिले थे जिनका होटल है महालोक पैलेस करके, यहाँ पीछे पे है कॉरिडोर के ही पीछे पे, तो वो होटल भी अभी विजिट कराएंगे। लेकिन हम जल्दी जल्दी नहा के ना तैयार हो गए, क्योंकि कॉरिडोर बंद होता है, बता रहे हैं कि कल अगर लाइन बहुत बड़ी रही शिवरात्रि के दिन महाकाल में, तो कॉरिडोर से ही रास्ता लगता है, फिर उसके बाद वो भी बंद करा देते हैं।
तो अभी हम कॉरिडोर देखने जा रहे हैं, अभी 9 बज रहे हैं तो 10 बजे तक ही खुला रहता है। देखते हैं ये दूसरे रास्ते से भेज रहे हैं, हमारे साथ है श्याम भाई। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो भैया हमको कल मिले थे जब मैं ओमकारेश्वर से आ रहा था, तो आज भी साथ साथ चले, कल तो साथ बनी चले, ये वापस आ रहे थे मैं महाकाल ओमकारेश्वर जा रहा था, तो आज वापसी में मिल गया, अच्छा हो गया। फिर दोनों भाई साथ मिल रहे हैं, होटल वालों ने फ्री कराया है, तो हम अभी जा रहे हैं कॉरिडोर के और, तो देखते हैं कैसे कैसे रहता है, आई होप के अंदर चले जाएं। ये है नॉर्मल सा रास्ता, पर फिलहाल यार यहाँ का जो कॉरिडोर है वो बहुत प्यारा बना हुआ है। अगर आज अंदर नहीं जा पाए तो कल आपको दर्शन कराएं, कल इधर ही रहेंगे, बाकी देखते हैं फिर आगे का कैसे रहता है। तो भाई मंदिरों में सबसे बढ़िया कॉरिडोर जो भी है वो महाकाल का है, तो हम अभी विजिट कराने वाले हैं आपको महाकाल का कॉरिडोर, तो चलते हैं जैसे जैसे भी होगा। बहुत प्यारा है यार बना हुआ, एक गेट है आगे से गेट है, लेकिन अभी इधर से अभी यहाँ का दिखाना पड़ेगा पूरा। यहाँ व्यवस्थाएं देखो, ये ना केवल जो जितना दिख रहा है ये पीने के पानी के लिए है, तो देखें यार कितना प्यारा बना हुआ है, पानी पुनी वगैरह सारा, आप आओ पानी पी के, ये शुद्ध पेयजल लिखा है, तो ये पूरा उसके लिए बना है, फैन वगैरह सब लगा हुआ है, तो एक खास बात है यार उज्जैन की। फर्स्ट जय महादेव, 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 दोस्तों आज का सफर काफी अच्छा रहा, सुबह से चलने के बाद इंदौर एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे यहाँ महाकाल, और महाकाल में ना हम जैसे आए उसके बाद होटल एक भैया ने कराया है, उस होटल में भी कल वाले ब्लॉग में विजिट कराएंगे इस ब्लॉग को, क्योंकि मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो आज ना जैसे हम लोग महाकाल उज्जैन पहुँचे तो 12 बजे हम लोग कमरे से निकले थे, और 12:15 बजे के आसपास हम लाइन पे लग गए थे, और सबसे बड़ी बात यह रहेगी जैसे हम यहाँ पे लोगों को बिठा रखा था तो हम उसी टाइम पे यहाँ पे पहुँचे, और जैसे अंदर घुस रहे तो पुलिस वालों ने हमको भी कहा कि आगे बढ़ जाओ, तो हम लाइन के फर्स्ट में लगे हुए थे, एकदम जो जनरल लाइन के है ना उसकी हमने सबसे पहले दर्शन किए हैं आज शिवरात्रि के दिन। हम 12 बजे लाइन पे लगे थे और 3:18 में लगभग हम बाहर निकले हैं, तो काफ़ी अभी तो बहुत भीड़ होगी, उस टाइम पे कम थी, अभी देख सकते हैं ये पूरी लाइन लगी हुई है, अंदर तो इतना पूरा भरा हुआ है, और बाकी हम लोगों ने भी दर्शन कर लिए हैं, पर काफ़ी अच्छा रहा यार, बहुत अच्छा रहा। रंजीत मिला है मेरे को अपने गाँव का, वो अपने फैमिली लेके आ रखा है, अभी मिलाता हूँ उससे। भाई आप जाके रंजीत से मिलो, और ये रंजीत भाई हैं, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव, बाबा केदार की जय भाई, बाबा केदार की जय। तो रंजीत भाई हमारे गांव से हैं और ये अभी महाकाल आए हैं, और साइकिल यात्रा से मैं भी किस्मत देखो, इल्तफाक बोलो या फिर बाबा की कृपा बोलो, इनकी पूरी फैमिली आई हुई है महाकाल में, और मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो दोनों भाई साथ मिल चुके हैं, हम दोनों एक ही गाँव से हैं, रंजीत भाई और मैं। बाकी आज का बहुत अच्छा रहा, दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं, सबसे पहले दर्शन हम लोगों ने किए हैं, हम सबसे पहले लाइन पे लगे थे, जनरल लाइन जो होती है, आज तो सारी जनरल ही थी, कोई प्रोटोकॉल वाले थे एक दो अंदर, बाकी हम लोगों ने ही पहले दर्शन किए हैं शिवरात्रि के दिन। बाकी फिर कल आपको पूरा फिर से महाकाल घुमाते हैं, पूरा अगर कॉरिडोर खुला रहा तो कॉरिडोर आपको पूरी तरीके से घुमाते हैं, और बाकी काल भैरव जी के दर्शन कराते हैं, तो कल भी इधर ही हैं, बाकी कल के ब्लॉग में देखते रहें पूरा महाकाल का जैसे भी रहेगा, बाकी अभी के ले जाएंगे और आराम करेंगे, आज काफ़ी लंबा सफ़र हो चुका है,
तब तक के लिए हर हर महादेव, फिर मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महाकाल, महाकालेश्वर और हर हर बाबा केदार की जय। बाबा केदार।